का टुकुर टुकुर देख रहे हो, चैनल तो सब्सक्राइब करते नहीं हो, तो भैया चैनल पहले सब्सक्राइब करो और उसी के बाद जो है वीडियो देखो, साथ ही साथ बैल का आइकन भी दबा दो ताकि हमारी वीडियो जो है तुम्हारे पास सबसे पहले आ जाए। हेलो दोस्तों, मैं कामरान खान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कामरान सर झांसी में। दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं पहले कि मैं पिछले 8 वर्षों से मैथ पढ़ा रहा हूं, जो कि ऑफलाइन मेरी क्लास लगती है झांसी में शिवाजी नगर में। आप मेरा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। यदि आप झांसी के हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ सकते हो। और दोस्तों मेरा टीचमेंट ऐप पर कोर्स शुरू होने वाला है कल से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप मुझसे जो व्यक्ति झांसी के नहीं है वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो टीचमेंट ऐप पर मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन पढ़ सकते हो, जिसमें बेसिक से लेकर हाई लेवल तक मैं पूरा कोर्स करवाऊंगा और उसमें कॉन्सेप्ट ट्रिक सब कुछ होगा। एक बार आप कंटेंट को देखिए तब आप समझेंगे कि फ्री का जरूर है लेकिन मैंने बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। और यदि आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज्यादा अच्छा काम आपके लिए कर पाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज चलते हैं क्वेश्चन अपनी सीरीज 6 पर, क्लास 6 से नंबर सिस्टम की, जिसमें मैं डेली आपको 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये 20 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं और सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर 70% कंटेंट पिछले वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चन से ही देता है। मतलब संख्याएं चेंज कर देगा और वही मेथड पर क्वेश्चन देता है हर बार, तो बार बार आने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 70%। तो अगर आपकी पकड़ इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है तो आप 70% मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। बचे हुए 30% आप उसके लिए मुझसे जोड़ो टीचमेंट ऐप पर, जिसमें आप बेसिक और पूरा कॉन्सेप्ट ट्रिक वगैरह सब कुछ सीखेंगे, तो आप नए क्वेश्चन को भी बना पाओगे। तो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 101 पर। एक संख्या को जब 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। जब उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? दोस्तों अगर हम 16 से भाग कर रहे किसी संख्या को, तो मानो कि अगर हमने 16 से किया, यहां पर 16 से किसी संख्या में भाग करते हैं, मान के चलो नंबर n है, और भाग देने पर कुछ भी आया, मान के चलो k आया भाग देने पर, और यहां पर कोई संख्या आएगी है ना, x आ गई मान के चलो, तो ये घटाने पर जो बचेगा, ये घटाने पर जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर कहलाएगा, और ये कह रहे रिमाइंडर 8 बचता है। एक संख्या को जब 16 से भाग किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। जब उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो दोस्तों क्या आप इस नंबर को, ये जो नंबर है इसे कैसे फाइंड कर सकते हो? इसको हम कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाज्य, और जो भाग देने पर मिलता है ये होता है भागफल, और जिसका हम भाग देते हैं ये कहलाता है भाजक, और जो बचता है भाग देने के बाद उसको कहा जाता है शेषफल, शेष। तो अगर आप भाज्य प्राप्त करना चाहते हो कि भाज्य क्या होगा, मतलब वो नंबर कौन सा है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, तो भाज्य n बराबर जो होगा वो हो जाएगा हमारा भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो यहां से n मतलब भाज्य है अपना नंबर, भाजक क्या है हमारा 16, 16 का गुणा भागफल, भागफल कितना प्राप्त हुआ हमने k माना, क्योंकि हमें नहीं पता है, और मैथ पूरी आपके मानने पर ही चलती है, मान लो ना, नहीं दिया तो मान लो क्या जा रहा मानने में, मानना ही तो है। तो यहां पर शेष बच रहा है 8, ठीक है, तो नंबर हुआ हमारा 16k+8, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इस नंबर को अगर हम 8 से भाग दें
ठीक है, तो अगर इस नंबर को हम 8 से भाग दें, नंबर था n, अगर हमने 8 से भाग दिया तो नंबर क्या था हमारा, नंबर हमारा है 16k+8, यही तो मिलेगा, n बराबर इतना है, मतलब हम इसमें भाग देंगे 8 का। अगर हम 8 का भाग देंगे तो देखिए 8 दूनी 16, ये 16 में भाग हो जाएगा पूरा पूरा, तो शेष क्या बचा, शेष 0 बचा। इसी तरह से 8 में हम भाग देंगे, इस 8 का 8 में भाग दो तो 8 × 8 शेष 0 बच रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर शेष कुछ भी नहीं बच रहा ना, शेष 0 आ रहा है, तो मतलब जब उस संख्या में हम भाग देंगे 8 का तो शेष 0 आएगा। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, आप ट्रिक देखिए, ये तो था बेसिक, इसकी ट्रिक क्या बनेगी, जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आपको सीधा जितना शेष बचता है ना, शेषफल 8 बच रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस शेष में ही भाग देना है, संख्या कोई भी रही हो, आपको इस शेष में भाग देना है अगली संख्या का जिसका वो कह रहे हैं कि इससे भाग देने पर क्या आएगा। तो 8 का जब 8 में भाग देंगे तो शेष 0 आएगा, और मात्र 5 सेकंड का ये क्वेश्चन है, पेन उठाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। एक संख्या को जब 72 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 बचता है, जब उसी संख्या को 9 से पूर्णतया विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अभी मैंने आपको इसका बेसिक बताया, अब डायरेक्ट आप ट्रिक से अप्लाई करके देखिए कि ट्रिक क्या बताई मैंने, मैंने ट्रिक बताई कि जितना भी शेष बच रहा है, शेष यहां पर 10 बच रहा है, तो सीधा आप शेष में भाग दोगे, आप शेष जितना भी बचेगा उसमें भाग दे दोगे अगली संख्या का, 9 से पूर्णतया भाग देना है, तो यहां से शेष है 10, 10 में जब आप 9 का भाग दोगे तो 9 × 9, और जो रिमाइंडर बचेगा ना आपका, वो रिमाइंडर बचेगा शेष 1 बचेगा, ठीक है ना, तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 103, दिए गए मान में कौन 30 से पूर्णतया विभाजित है, 30 से पूर्णतया विभाजित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर आप ए ऑप्शन चेक करो, और यहां पर 30 को आप लिख सकते हो 3×10, है ना, 3×10 का मतलब हुआ कि जो संख्या 3 और 10 दोनों से विभाजित है वो 30 से भी विभाजित होगी। तो आपको 3 का नियम बता दूं मैं, कि 3 का नियम ये होता है कि सम ऑफ डिजिट, डिजिट का सम आपको निकालना है, अंकों का योग करोगे, तो संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब दोस्तों यहां पर आप देख रहे हो 10 का नियम ये होता है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 है, लास्ट डिजिट 0, अगर लास्ट डिजिट जो है वो 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो इसमें सारे ऑप्शन में 0 तो है लास्ट डिजिट, मतलब हम 3 का और चेक कर रहे हैं, तो कौन सी संख्या 3 से कटेगी, उसके लिए आप अंकों को जोड़ो, 2 और 5 7, 7 और 3 10, ये तो 10 हो रहा ना, 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक करिए, 1 और 5 6, 7 6 13, 13 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो बी भी कट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखो, 2 3 5, 7 5 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ऑप्शन सी ही होगा। और डी ऑप्शन देख लो, 1 5 6 6 2 8, 8 नहीं आता 3 के पहाड़े में, तो ये भी नहीं होगा। तो एकमात्र एक ही ऑप्शन सही है जो कि 2370 है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप, समझ में आया होगा आपको कि 3 का नियम क्या था विभाज्यता का, सिर्फ आपको अंकों को जोड़ना था, और अंकों का जोड़ अगर 3 से भाग हो रहा है तो वह संख्या पूरी भाग हो जाएगी 3 से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 पर। यदि 1+2+3+4... 100 तक संख्याएं दी हुई हैं, योग है 1 से लेकर 100 तक का, को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो मेरे भाइयों यहां पर आपका 1 से लेकर 100 तक का योग है, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग है ये, है ना, संख्याओं का योग, तो योग कर दीजिए यहां पे 1 से 100 तक की संख्याओं का, क्या होता है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो होता है n(n+1)/2, ये होता है आपका। तो n क्या है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं,
तो एन है सौ टर्म्स है सीरीज में, इनटू एन प्लस वन मतलब सौ प्लस एक 101 हो गया, बटे दो, दो से भाग दे दो तो दो से सौ कटा आपका 50 बार, तो इस तरह से 101 में गुणा करने पर आएगा 5050। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 101 में 50 का गुणा कर दिया तो 5050, मतलब एक से लेकर 100 तक की संख्याओं को जब आप जोड़ोगे तो आपका आएगा उनका योग 5050। अब इसमें अगर आप 8 का भाग दे दो तो 8 का भाग का नियम ये होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अंतिम तीन अंकों में देना है भाग, तो अंतिम तीन अंकों में आप भाग दोगे तो यहाँ पर 0 50 आ रहा है, तो सिर्फ आप 50 में भाग दोगे, 8 6 48 बचा कितना शेष, तो रिमाइंडर आपका आएगा 2, है ना, तो 2 आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन था, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू मतलब 5050 आ जाएगा, आपको 50 में भाग देना है तो 48 हो जाएगा का पूरा कट जाएगा और 2 आपका शेष बचेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहे हैं 8961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें कि वह 84 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए, अगर हमें 84 से करना है तो वह संख्या जो है 8961, इसमें आप 84 का भाग दीजिए, तो देखो 84 एकम 84 घटा दो, 9 में से 4 गया तो बचा 5, 8 में से 8 गया तो बचा 0। अगला नंबर नोट करेंगे 6, लेकिन 6 जो है वो छोटा हो रहा ना, 56 हो गया, तो 56 84 से छोटा है, तो यहाँ पे एक और नंबर नोट किया जाएगा, एक और नोट कर दिया, तो दो जब नंबर जब ऊपर से नोट किए जाते हैं तो वो 0 लगाया जाता है भागफल में, और यहाँ पर एक साथ दो नंबर नोट कर लिए, 561 हो गया। अब 561 में 84 का भाग दीजिए तो 8 7 56, अगर हम 80 का पहाड़ा पढ़े और 7 बार पढ़े तो 560 आएगा, तो अपन को कुल मिलाकर 6 बार में जाएगा, 84 का 6 बार पहाड़ा पढ़ना होगा, तो 6 चौके 24 की 4 2 हासिल, 6 8 48 और 2 50, तो 6 बार में जाएगा आपका 504 आ जाएगा, और घटाने पर आपका देखिए कितना बचा, 11 में से 4 जाएगा तो आपका बचा 7, यहाँ पर 5 में से 0 जाएगा तो 5, और यहाँ पर 5 में से 5 गए तो 0, 57 आपका शेष बच रहा है। दोस्तों 57 शेष क्यों बच रहा है, क्योंकि ये उस संख्या में ज्यादा है। अब आपको अगर इस संख्या को आप चाहते हैं कि 84 से ये भाग हो जाए तो या तो आप इस संख्या को 84 बना दो, है ना, अगर यहाँ पर 84 होता 57 की जगह तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती 84 से, या फिर आप इसमें से 57 को घटा दो, ये एक्स्ट्रा है 57 शेष बच रहा है, अगर आप इस 57 को घटा दोगे तो वह संख्या 84 से विभाजित हो जाएगी, है ना, या फिर उन्होंने कहा है कौन सी संख्या जोड़ें, तो हमें घटाना नहीं है यहाँ पे, हमें जोड़ना है, उन्होंने कहा जोड़ें, तो यहाँ पर आप भाजक से 84 से 57 को घटा दो, तो 14 में से 7 गए बचा 7, 7 में से 5 गए बचा 2, तो आप 27 जोड़ दोगे तो आपकी जो संख्या होगी वो 84 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, तो यहाँ पर या तो आप प्लस के 27 करो या फिर माइनस के 57 करो, तो वह संख्या 84 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन इन्होंने हमसे कहा है कि जोड़ना है, तो जोड़ने की संख्या कैसे मिलती है, जोड़ने की संख्या आपको भाजक से उस शेष को घटाना पड़ेगा, तो जो संख्या बचेगी वो 27 है। अब आप 27 मतलब जोड़ने पर 27 और 57 शेष था, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 84 बन जाएगा, साथ साथ 14 की 4 1 हासिल 2 और 1 3 और 5 8, तो ये हो गया 84, और जब यहाँ पे 84 आ जाएगा तो वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पे आप ये बेसिक हो गया। देखते हैं क्या ये और किसी मेथड से हो सकता है, तो देखिए यहां पर चलते हैं कि 8961 इसको विभाजित करना है 84 से, तो कितना जोड़ दें,
तो मान के चलते हैं कि अगर हम ऑप्शन उठाएं इसमें और ऑप्शन से चेक करें कि कितना हमें जोड़ना होगा, तो देखिए अगर हम ऑप्शन ए उठाएं 27 और 27 रख दें यहां पर जोड़ने में, तो यहां पर 27 हमने इसमें जोड़ा तो ये अपना आ जाएगा 1 और 7 हो गया 8, 6 और 2 हो गया 8, 9 और ये 8, 84 दोस्तों लिखा जा सकता है, 21 चौके 84, तो 21 को भी आप लिख सकते हो 7 × 3 × 4, तो वह संख्या 84 से विभाजित होगी जो कि 7, 3 और 4 इन सभी से विभाजित हो रही होगी। तो 3 का नियम बहुत आसान है कि आप अंकों का योग कर लो, 8 या 24 और 9 24 और 9 हो जाएगा 33, और 33 जो है वो 3 से विभाजित होगा। 3 का नियम क्या है, अंकों को आप जोड़ दो संख्या के, अंकों को अगर हमने जोड़ा 8, 8 16, 8 3 24, 24 और 9 जोड़ा तो 33, और 33 को भी अगर हम जोड़ दें 3 और 3 6, मतलब 6 जो है 3 से विभाजित हो जाता है। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 4 का नियम क्या होता है कि अंतिम 2 अंक अगर उस संख्या के विभाजित हो रहे हैं 4 से, तो वह संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। तो ये 4 से 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, मतलब अंतिम 2 अंक विभाजित हो रहे हैं ना, तो आपका ये संख्या 4 से भी विभाजित है। तो अब बाकी आपको चेक ही नहीं करना, मतलब ये संख्या पूरी आपकी 84 से भाग हो जाएगी अगर इसमें हम 27 जोड़ दें। तो विभाज्यता का नियम आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वह 27 से ठीक ठीक विभाज्य हो जाए, ये भी वही है, कौन सी संख्या जोड़ दें 2055 में। तो आप लिखो 2055 और 27 से ठीक ठीक विभाजित करना है, 27 का मतलब होता है 3 × 27। तो अगर ऑप्शन ए हम रखे हैं यहां पर, अभी बेसिक मैंने बता दिया था इसका, अब डायरेक्ट ऑप्शन से देखिए, अगर ऑप्शन ए रखते हैं तो 5 और 8 हो जाएगा 13, 13 की 3 1 हासिल, 5 और 1 6 2 8 और यहां पर 0 और ये 2, 3 × 9। तो 9 का नियम भी यही होता है कि अंकों को जोड़ो आप, 2 और 8 हो गया 10, 10 3 13, तो 13 दोस्तों 9 से विभाजित नहीं होता, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी अगर रख के देखें कि 2055 प्लस 31 आप कर दो तो यहां पे आ जाएगा 5 और 1 6, 5 और 3 8, 0 और ये 2, 2086। अंकों को जोड़ के देखिए, 8 2 10, 10 6 16, तो 16 भी 9 से विभाजित नहीं होता, ये भी नहीं होगा। अब 27 अगर हम जोड़ें 2055 में 27 जोड़ देते हैं तो देखिए क्या आएगा, 5 और 7 12 की 2 1 हासिल, 6 और 2 8 0 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 8 10 10 2 12 12 भी 9 से विभाजित नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं कि 2055 प्लस 24 तो 5 और 4 9 5 और 2 7 0 और 2, 2079 7 और 2 9, अंकों को जोड़ो 7 और 2 9, 9 और 9 हो गया 18, 18 दोस्तों 9 से विभाजित हो जाता है। तो केवल 24 रखने पर ऐसी संख्या आ रही है जो कि आपकी 9 से विभाजित हो रही है, मतलब जो संख्या 9 से विभाजित होती है वो 3 से भी विभाजित होगी होगी, क्योंकि 3 का नियम भी यही होता है कि अंकों को जोड़ना है। तो इसका सही आंसर होगा 24 जोड़ने पर वह संख्या 27 से पूरी विभाजित हो जाएगी, या फिर आप सीधा इसमें 27 का भाग दे सकते हो 2055 में, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया 105 में कि आपने भाग दिया और जो शेष बचा उसको आपने भाजक से घटाया और वही आंसर है आपका, कितना बचा वही आपका, उतने ही जोड़ दो तो संख्या विभाजित हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। यदि n सम संख्या हो तो 6 की पावर n-1 विभाज्य है, देखते हैं किससे विभाज्य होगा ये, मतलब n उन्होंने सम संख्या कहा है, तो आप बिल्कुल फ्री हो कि आप कोई भी नंबर रख सकते हो n की जगह, बस सम संख्या होनी चाहिए। तो अगर हम n की जगह 2 रख देते हैं तो 6 की घात 2 − 1 = 36 − 1, तो ये बचेगा आपका 35, तो दोस्तों ये 35 से विभाजित हो जाएगा,
लेकिन आप कुछ और रख के देखो, अगर हम 6 की घात 4 रखते हैं, 6 की घात 4 माइनस 1 तो 6 की घात 4 हो जाएगा आपका, 6 की घात 3 होता है 216 गुणे 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 छिंग 36 की 6 3, 6 एकम 6 और 3 9 और 6 दूनी 12, तो ये आपका हो जाएगा 1296। तो ये हो जाएगा 216 गुणे 6 1296, और 1296 माइनस 1 हो जाएगा आपका 1295। ठीक है दोस्तों, तो अब ये देखते हैं क्या ये 35 से भाग हो रहा है, तो 35 होता है 7 गुणे 5, जो संख्या 5 और 7 से विभाजित होगी वो 35 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 5 का नियम तो यही है कि इकाई अंक में 5 या 0 होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 7 का आप देख लो, 7 एकम 7 बचा आपका 5 तो 59 हो गया। अब 59 7 8 56 तो 3 बचा 7 15 35, तो ये विभाजित 7 और 5 दोनों से हो रहा है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है कि ये संख्या पूरी 35 से विभाजित होगी हमेशा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। में कह रहे हैं 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, 3957 प्लस 5349 इसको जोड़ा जाता है, तो प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है। ठीक है, इसको पहले जोड़ लो, 9 और 7 हो गया 16 की 6 एक हासिल, 5 और 1 6 और 4 10 हो गया 0 एक हासिल, 10 और 3 13 की 3 एक हासिल, 3 और 1 4 और 5 9 तो 9306 हो गया। अब दोस्तों यहां पर आपसे कहा गया है कि प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, 7062 को आप घटा दीजिए। बहुत आराम से समझिए, और मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, सब कुछ आपको समझ में आएगा, बस आप ध्यान से समझिए कॉन्सेंट्रेट होकर। मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं कि कोई स्टेप छोड़ रहा हूं, सारे स्टेप आपको समझा रहा हूं और पूरा मैं करके दिखा रहा हूं कैलकुलेशन भी। तो 6 में से 2 गया तो बचा 4, 10 में से 6 गया तो बचा 4, 2 में से 0 गया तो बचा 2, और 9 में से 7 गए तो बचे 2, 2244 बच रहा है। अब परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, तो देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है 4, 4 का नियम यह होता है कि आखिरी के 2 अंकों में अगर 4 का भाग हो रहा है तो वह संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाती है। तो करके देखें जरा, अगर हम आखिरी के 2 अंक हैं 4 और 4 तो भाग हो जाएंगे 4 से, इससे विभाजित है। दूसरा देखो, दूसरा ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, और 3 का नियम यह होता है कि अंकों को जोड़िए, 4 और 4 8, 8 2 10 और 2 12, 12 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा ना, तो दूसरा ऑप्शन भी हो जाएगा, इससे विभाज्य होगी। तीसरा ऑप्शन देखें 7, 7 से 7 ये 21 बचा 1 तो 14 हो गया, 7 दूनी 14 4 बच रहा है, तो 7 से विभाजित नहीं होगी। और डी ऑप्शन है 11, 11 से अगर हम भाग करें इसमें तो 11 दूनी 22 और 11 चौक 44 भाग हो रहा है ना, तो 11 से भी भाग हो जाएगा। तो अपना एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उन्होंने पूछा है किससे विभाज्य नहीं होगी, तो नहीं हो रही, 7 से विभाज्य नहीं होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। x तथा y के सभी वास्तविक मानों के लिए यदि 4x माइनस y 3 से विभाज्य हो तो 4x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस के 2y स्क्वायर हमेशा किस संख्या से विभाज्य हो सकेगा, तो संख्या है 4x माइनस y। ठीक है, ये विभाज्य है 3 से, तो 3 से विभाजित होने के लिए दोस्तों उसके अंकों का जो अंतर योग होना चाहिए वो संख्या 3 से विभाजित होगी, है ना। तो अगर हम x, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि x और y बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आप x बराबर 1 मानिए, y बराबर भी 1, तो अगर ऐसा मानते हैं तो 4 एकम 4 x की जगह 1 रख दो और y की जगह भी 1 रख दो, तो 4 एकम 4 और 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, और 3 से विभाजित हो जाएगी ये संख्या,
ठीक है, अगर हम x की जगह 2 रख देते हैं और y की जगह भी 2 रख देते हैं, तो यहां पर 4 इंटू 2 माइनस 2, तो 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 हो जाएगा आपका 6, और ये भी 3 से विभाजित होगा, है ना, 3 दूनी 6। तो आप x और y की जगह क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, जो कि सबसे आसान रहेगा आपके लिए कैलकुलेट करना। तो यहां पर आप रख दीजिए 4x स्क्वायर प्लस के 7xy माइनस के 2y स्क्वायर। तो x का मान 1 रखना है, तो 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 1 का 4 में मल्टीप्लाई, तो 4 ही रहेगा। यहां पर x और y की जगह अगर आप 1 रखोगे तो 1 इंटू 7, 7 ही रहेगा, और फिर माइनस के 2, y की जगह आप 1 रखेंगे तो 1 ही रहेगा। तो 7 और 4 11, ये जुड़ जाएंगे, और 11 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 9। तो हमेशा किस संख्या से विभाज्य हो सकेगा, तो ये जो संख्या है ये ना तो 12 से विभाजित हो रही है 9, ना तो आपकी 5 से, और ना ही 6 से, ये केवल और केवल 3 से ही विभाज्य होगा। तो दोस्तों इससे कोई भी संख्या मिलेगी तो वो 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर हम 2 रख के देखते हैं, चलिए 2 को और रख के दिखा दें आपको कि अगर x और y की जगह अगर हमने 2 रखा तो देखिए क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर प्लस के 7xy माइनस के 2y स्क्वायर। क्योंकि x और y की जगह अगर हम 2 रख रहे थे तब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी ना, तो आप 2 रख के देखिए x और y की जगह, तो यहां पे 4 इंटू x की जगह 2 रखना है, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स की जगह 2 रख दो, y की जगह भी 2 रख दो, माइनस 2 गुणे y का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, माइनस 2 गुणे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस 28, माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 28 और 16 जोड़ दीजिए तो 6 और 8 हो जाएगा, 8 से 14 की 4, एक हाथ से एक और एक दो, दो दो 4, 44 माइनस 8, तो ये हो जाएगा दोस्तों 36, और 36 भी आपका 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 3 से भाग हो जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो इसी तरह से आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो, और आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा कि इस तरह की जो भी संख्या होगी वो हमेशा और हमेशा 3 से विभाजित हो रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। एक संख्या n 6 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है, निम्नलिखित में से क्या पूर्णांक नहीं होगा। दोस्तों अगर वो 4 से विभाज्य नहीं है तो कोई भी नंबर हो, अगर नंबर n है तो आप 3 से विभाज्य कर दो तो वह 6 से भी, जो संख्या n 6 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है तो निम्नलिखित में से क्या पूर्णांक नहीं होगा। दोस्तों 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 3, ठीक है, तो जो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि यहां पर 6 में 2 और 3 आता है, तो जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह 6 से भी विभाजित होगी। तो यहां पॉसिबल है कि अगर वो संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो वो 6 से भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन 4 से विभाज्य नहीं हो, तो 3 के मल्टीपल में यहां 4 नहीं आता ना, तो सिर्फ और सिर्फ ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 से हो जाएगी, और हो सकता है 2 से भी हो जाए, है ना, तो पॉसिबल है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं, एन बटे 2, तो एन बटे 2 लेते हैं, मतलब संख्या 6 जो थी वो 2 गुणे 3 थी, तो जो संख्या 2 से विभाजित है तो वो संभव है कि वो 3 से भी विभाजित हो सकती है। अगर ऑप्शन सी उठाते हैं तो यहां पर आपका नंबर अगर 6 से विभाजित है तो वो तो 6 से विभाज्य हो गई होगा, है ना, अगर नंबर को आप 12 से भाग देते हो तो 12 होता है 3 गुणे 4, मतलब जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है तो वह 12 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पे 4 से तो भाग हमें देना ही नहीं है और 12 में 4 आ गया तो ये नहीं होगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका विभाज्य नहीं होगी। तो ये कह रहे कि कौन सा पूर्णांक नहीं होगा, तो एन बटे 12 नहीं हो सकता, क्योंकि 12 में आपका 4 आ रहा, तो जो भी संख्या आएगी वो 4 से विभाजित होगी तभी वो 12 से विभाजित हो सकती है। ठीक है,
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111 पर। विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेष का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। तो यहां पर दोस्तों आप मानिए कि भाजक, भाजक लिखो, भागफल लिखो और शेष, ठीक है। तो भाजक जो है भागफल का 12 गुना है और भाजक शेषफल का 5 गुना है। तो आप मान लो कि भाजक x है, अगर भाजक x है तो ये भागफल का 12 गुना मतलब भागफल हो जाएगा x बटे 12, इससे 1/12 गुना हो जाएगा ना, क्योंकि भाजक 12 गुना है। तो शेष का कितना है, ये 5 गुना है, तो शेष कितना हो जाएगा, x बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये 5 गुना है तो ये x बटे 5 गुना रहेगा। अब देखो शेष दिया हुआ है 36, तो शेष x बटे 5 बराबर 36 है, तो x बटे 5 बराबर अगर 36 है तो आप इसकी मान निकाल सकते हो x का, x बटे 5 बराबर 36 है तो 5 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो x बराबर आ जाएगा 36 × 5 = 180, मतलब x का मान 180 और x किसे माना था, भाजक को, भाजक हो गया 180, तो भागफल कितना हो जाएगा, x बटे 12 है ना, 180/12, 12 का भाग दे दो तो 12 × 1 = 12, बचे 6, 12 × 5 = 60, तो 15 आ गया। अब यहां से आपको भाजक मिल गया, भागफल 15 है और शेष कितना है, शेष आपका 36 है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक कितना है 180, भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना है 15 है, प्लस शेष, शेष कितना है 36 है। तो आप इसको सॉल्व करो, 15 का 0 में गुणा किया तो 0, 15 × 8 = 120, तो 120 का 0 और 12 है हासिल, 15 × 15 और 12 हो गया आपका 27 प्लस 36, तो ये आ जाएगा आपका 2736, तो 2736 आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 पर। दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा। दो क्रम से आने वाले विषम पूर्णांक होने चाहिए, तो दो क्रम से आने वाले विषम पूर्णांक जैसे कि हमारा 3 है और 5 है, इनके वर्गों का अंतर, इनका वर्ग कर दो और अंतर कर दो, मतलब बड़ी से छोटी संख्या घटाएंगे जब अंतर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर 25 − 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गए तो बचा 16, ठीक है। तो 16 आपका ना 7 से विभाजित होगा, ना 3 से होगा, ना 6 से होगा, तो एक ही संख्या है 8, 8 से विभाजित होगा। लेकिन आप कुछ और भी मान के देखो, अगर हम मान लेते हैं 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर − 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये 8 आ जाएगा, तो 8 से विभाजित हो जाएगा। आप कुछ और भी मान सकते हो, आप बिल्कुल फ्री हो, कुछ भी मानो आप। आप मानो 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। आप 49 से 25 को घटाओ, 9 में से 5 गया बचा 4 और 4 में से 2 गया बचा 2, तो ये भी आपका 8 से विभाजित होगा। तो मतलब जितनी भी संख्याएं इस तरह से प्राप्त होंगी वो हमेशा और हमेशा 8 से विभाजित हो रही होंगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 पर। यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव होता है। तो अब कोई भी आप मान सकते हो, 100 और 1000 के बीच कोई भी संख्या मान लो, अगर मान लेते हैं 123 कोई संख्या है 100 और 1000 के बीच, आप बिल्कुल फ्री हो, किसी भी संख्या को मानो, 130 कोई संख्या है और इसके अंकों के योगफल को अगर इस संख्या से घटाया जाए तो 3 और 2 = 5 और 1 = 6, अगर 6 को इससे हम घटा दें तो ये आ जाएगा आपका 117, और 117 देखिए किससे विभाजित हो जाएगा, 7 और 1 = 8, 8 और 1 = 9, अंकों का योग 9 बन रहा है, मतलब 9 से ये विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 से नहीं होगा, क्योंकि 6 का नियम होता है कि 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं 6 से भी होती हैं, और 6 से होने के लिए उसे 2 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन 2 से होने के लिए अंतिम अंक जो है वो सम अंक होना चाहिए, इकाई अंक जो है वो सम नंबर होना चाहिए, तो इकाई अंक पे जो है एक विषम नंबर है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, तो ये 6 से भी नहीं होगा, ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा, 2 से नहीं होगा,
सी ऑप्शन पांच भी नहीं हो, डी ऑप्शन जो है वो पांच से विभाजन ये भी नहीं होगा, क्योंकि पांच से विभाज्यता का नियम यह है कि अंतिम अंक जीरो या पांच होना चाहिए, तब वह संख्या पांच से विभाजित होगी। तो एक ही ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, ए का दो अंकों का सबसे बड़ा मान होगा क्या? तो देखिए, अगर 18 शेष बच रहा है तो इस 228 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं 210 प्लस 18, है ना। अब 210 जो होगा वह उस संख्या से ए जो है ए से पूरी तरह विभाजित हो रहा होगा और 18 शेष बचेगा, तो 210 तो पूरी तरह विभाजित होगा ना। तो अगर हम एक ऑप्शन नंबर ए लें, सबसे बड़ा नंबर 70 है, तो 70 से अगर विभाजित करें तो 7 3 21, 70 से विभाजित हो रहा है और 18 शेष आ जाएगा, 21 से भी भाग हो रहा है, 35 2 70 और 7 3 21, तो 6 बार 35 से भाग हो जाएगा और 3 7 21, इन चारों ऑप्शन से विभाजित हो रहा है। तो इन्होंने कहा है दो अंकों का सबसे बड़ा मान, तो दो अंकों का सबसे बड़ा मान हो रहा है 70, ये ए का मान हो जाएगा आपका 70, ए बराबर आ जाएगा 70, सबसे बड़ा मान होगा 70, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। एक संख्या एक्स 7 से विभाज्य है, जब इस संख्या को 8 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 3 शेष रहता है। तो एक्स एक संख्या है, इसको 7 से भाग दे दें, जब इस संख्या को 8 12 और 16 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक मामले में 3 शेष रहता है। तो दोस्तों जो संख्या होगी ना, जो 7 से तो पूरी तरह विभाजित है, लेकिन 8 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचेगा। तो हमारा जो नंबर होगा संख्या जो कि x है, संख्या जो कि x है वो होगी LCM ऑफ 8 12 16, 8 12 16 का लासा इंटू के प्लस रिमाइंडर शेष जो बच रहा है। तो यहां पर LCM 8 12 और 16 का देखो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, इसका LCM आएगा 48 के प्लस 3, तो यहां पर 48 के प्लस 3 हो जाएगा। अब लेकिन ये संख्या 8 12 और 16 से भाग देने पर तो 3 शेष देगी, लेकिन ये 7 से पूरी तरह विभाजित है। दोस्तों क्या अभी ये 7 से विभाजित हो रही है, 48 प्लस 3 अगर आप करो तो ये हो रहा है 51, जो कि 7 से विभाजित नहीं होता। तो आप सबसे बढ़िया मेथड ये है कि 48 को इस तरह से ब्रेक करो कि कौन सी संख्या 7 से विभाजित हो रही है इसके पास, तो 7 6 42, आप इसको लिख सकते हो 42 के प्लस 6 के प्लस 3 डिवाइड बाय 7, तो ये 42 तो पूरी तरह कट जाएगा 7 से, लेकिन ये 6 के प्लस 3 बचेगा। अगर दोस्तों ये और विभाजित हो जाए 7 से तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी ना, क्योंकि 42 तो हो गया विभाजित, बच रहा है 6 के प्लस 3। तो इसको हमें विभाजित करने के लिए k का मान क्या रखना होगा, अगर हम k की जगह 2 रखते हैं तो 6 2 12 और 3 हो जाएगा 15, 15 नहीं होगा 7 से विभाजित। अगर हम k की जगह 3 रखें तो 6 3 18, 18 और 3 हो जाएगा 21, तो 3 रखने पर आपका 21 बन रहा है, जो कि 21 7 से विभाजित हो जाता है। तो आप k की जगह 3 रख दोगे तो आपकी जो संख्या होगी देखिए क्या मिल जाएगी, आपकी संख्या थी 48 k प्लस 3, तो k का मान आप 3 रखोगे तो 48 गुणे 3 प्लस 3, तो 3 8 24 की 4 2 हासिल, 3 6 12 और 2 14, तो 144 प्लस 3 हो जाएगा 147। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने पर फलस्वरूप क्रमशः 3 4 तथा 5 शेष बचता है। दोस्तों वह संख्या बतानी है जो 411 को भी विभाजित कर दे, जो 684 को भी भाग दे और 821 को भी भाग दे, तो क्रमशः 3 4 और 5 शेष बचता हो, तो वह संख्या जो होगी 411 माइनस 3, 684 माइनस 4 और 821 माइनस 5,
11 में से 3 गए तो बचा 8, तो 408 आ गया। यहां पर आपका आ जाएगा 680 और यहां पर आपका आ जाएगा 816। तो जो वो संख्या होगी वो होगी इन सभी का मासा, HCF ऑफ 408, 680 और 816। ठीक है, तो इनका HCF आप निकाल दो। और HCF निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है 408, 680 और 816। इनको आप लिखो और ऐसी संख्या देखो जो कि इन तीनों को काट रही हो। तो कम से कम 4 ऐसी संख्या है जिससे इन तीनों में भाग होगा। तो 4 एकम 4 0 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बचा 2, 4 सत्ते 28, 170 हो गया। फिर 4 दूनी 8 0, 4 चौके 16। अब दोस्तों 102, 170 और 204, इसे कम से कम 2 से काटा जा सकता है। तो 2 से काट दें, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। फिर 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। फिर 2 से काटें एक बार और 0 और 2 दूनी 4। अब ये 102 आ गया जो कि आपका 17 से कट जाएगा। तीनों संख्याएं 17 से कट रही हैं, 17 दूनी 34, 17 51, 17 पंचे 85 और 17 छक्के 102, 3 5 6। अब ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है जिसके पहाड़े में 3 भी आता हो, 5 भी आता हो और 6 भी आता हो, नहीं है ना। तो अब इनका गुणनफल ही वह संख्या होगी। संख्या हो जाएगी आपकी 17 × 2 × 4 जो संख्या होगी जिससे हम इन सभी संख्याओं में भाग दें 411, 684 और 821 में, तो 3, 4 और 5 शेष बचेगा। तो 17 × 2 = 34 या 4 × 2 = 8 कर दो और 17 × 8 हो जाएगा 136। तो ऑप्शन नंबर डेहरी इसका करेक्ट है, 136 आंसर आएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117 पर 36 और 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 तथा 102 से विभाज्य हो। तो दोस्तों जो संख्या होगी वो होगी हमारा LCM 36 और 102 का, ठीक है, इनटू K। तो ये हमारी संख्या होगी। आप राशा लेके इनका गुणे K, किसी संख्या गुणा कराना होगा तो वह 1500 और 2000 के बीच आ जाएगी। तो देखते हैं कि 36 और 102 का राशा क्या हो जाएगा। 2 से कट जाएगा 18 बार, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। फिर आपका ये कटेगा 3 से, तो 3 6 18 और 3 एकम 3 और 2 बचा 3 सत्ते 21। फिर आपका ये 6 से कटेगा और फिर 17 से कटेगा, तो 2 3 6 6 6 36, तो 36 × 17, तो 17 छक्के हो जाएगा 102, 10 आपका हासिल आ जाएगा, 17 3 51 और 10 हो जाएगा 61। तो 612 आपका राशा आ गया इंटू के। अब 612 1500 और 2000 के बीच नहीं है ना, तो आपको 1500 और 2000 के बीच पहुंचने के लिए 612 में कितने का गुणा कराना होगा। अगर दोस्तों यहां पर आप 2 का गुणा कराओ तो 612 दूनी हो जाएगा 1224, जो कि फिर भी 1500 और 2000 के बीच नहीं आई। तो यहाँ पे आप 3 रख दो, के की जगह अगर आप 3 का गुणा कराओ, 612 × 3, तो ये हो जाएगा 6 18 और 12 36, तो 1836 आपका करेक्ट आंसर होगा। जो संख्या होगी वो 1836 होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 पर। 142 का स्क्वायर माइनस 1 संख्या किससे विभाजित है। किससे विभाज्य है, तो देखें जरा, 142 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा, आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो इसको, तो 142 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 142 प्लस 1 और 142 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 143 और ये हो जाएगा आपका 141। दोस्तों 141 तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 143 जो होता है ये 11 और 13 से भाग होता है, 11 और गुणे 13 होता है 143, तो 11 तो ऑप्शन में नहीं है, 13 है, तो 13 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। व्यंजक 2^6n माइनस 4^2n जहां n एक प्राकृतिक संख्या है सदा विभाज्य होता है,
एन प्राकृतिक संख्या, मतलब एन को आप कुछ भी मान लो, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, तो अगर एन की जगह एक रख दें हम, तो 2 की घात 6 हो जाएगा आपका 64 माइनस, अगर एक रखा आपने तो 4 की घात 2 हो जाएगा 16, तो 14 में से आपका 6 गया तो बचा आपका 8, 5 में से 1 गया तो बचा 4, तो ये किससे विभाजित होगा, 15 से तो होगा नहीं, 18 से भी नहीं होगा, 36 से भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है 48, तो ये 48 से ही विभाजित होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। एक 3 अंकों वाले एक पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णांकीय गुणज हो तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा। दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि आप 3 अंकों की कोई भी संख्या ऐसी लो जो कि अंतिम 2 अंक ऐसे हो उसको जो 6 से विभाजित हो रहे हो, तो कोई भी संख्या अगर मान के चलो हमने 3 अंकों की 330 ले लिया, इसके 2 अंक देखो आप आखिरी के 6 से विभाजित हैं, है ना, तो मूल पूर्णांक सदैव निम्नलिखित में किससे विभाजित होगा। तो आप इसको देखो, अगर 6 से विभाजित अंतिम 2 अंक है तो हमने माना 330 ऐसी कोई संख्या है, आप कोई भी मान सकते हो, बस आखिरी के 2 अंक 6 से विभाजित होने चाहिए। अब ये तीसरा जो अंक है ये कोई भी हो सकता है, ये कुछ भी हो, हमें इफेक्ट पड़ेगा कि ये आखिरी के 2 अंक क्या है, वो 6 से विभाजित है या ना है, है ना। तो यहाँ पे ये संख्या तो 3 और 3 6, ये आपकी 6 से विभाजित हो रही है पूरी, लेकिन अगर हम कोई और संख्या माने, ये 6 से भी हो रही है, ये 2 से भी विभाजित हो जाएगी, ये 3 से भी विभाजित हो, अगर हम 12 से और चेक करें, 12 से हो रही है यानी 12 2 24, बचा आपका 9 90, ये नहीं हो रही 12 से विभाजित, तो 12 से नहीं होगी। अब देखते हैं कि अगर हम कोई और संख्या 124 हमने ली और अंतिम 2 अंक आप देख रहे हो 6 से विभाजित है ना, अंतिम 2 अंक 6 से विभाजित है, लेकिन ये तीसरा अंक जो है ना ये आप कुछ भी मान सकते हो, अगर यहाँ पे हमने 1 माना तो 124 एक संख्या हो गई, अंतिम 2 अंक 6 से विभाजित है, तो अब देखें क्या ये 6 से विभाजित हो रही है पूरी संख्या, 6 2 12, लेकिन 4 से इस बच रहा है तो ये 6 से विभाजित नहीं हो रही, 3 से देखें, 3 4 12 और 4 2 6 4 2 6 और 1 7, तो ये 3 से भी विभाजित नहीं हो रही, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित नहीं है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी, है ना। अब 2 से देखें तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, जिसका इकाई अंक 2 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी 2 से विभाजित होती है, तो केवल और केवल इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऐसी संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, तो 20 क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए, जो कि मैंने बेसिक भी यूज किया है, कॉन्सेप्ट भी यूज किया है, और 2 बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन उन पे मैंने एक बार आपको बेसिक बता दिया और एक बार मैंने आपको ट्रिक बताई है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए और मुझे सपोर्ट करिए, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए अच्छी से अच्छा काम कर पाऊं और ज्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ज्यादा अच्छा काम कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।